हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गणित, NCERT, और इसके राइटर का नाम है धर्मेंद्र विश्नोई। ठीक, और ये किस पैटर्न की बुक है? तो इस पैटर्न की बुक का नाम है प्रकाशन। ठीक, ये गणित है और ये अदरवाइज मेरा नाम लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं। और जिसे लिखा है प्रस्तावना के अनुरूप संपूर्ण भारतवर्ष में सभी प्रदेशी शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9 व कक्षा 10 में NCERT के पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इसका आगे चलते हैं। जिसे लिखा है पाठ्यक्रम, जिसमें लिखा है संख्या पद्धति जो है 5 अंक का, और जिसका बीज गणित जो है 18 नंबर का, और ये लिखा निर्देशक ज्योमेट्री जो है 5 नंबर का, और ये ज्योमेट्री है जो 12 नंबर का, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो है 12 नंबर का, और मेंसुरेंस है 8 नंबर का, और संख्या तथा प्रकृति जो है 10 नंबर का। ये पूरी बुक मतलब टोटल है नंबर 70। ठीक है, ये मतलब पूरे बोर्ड पेपर में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, अब जैसे ये वास्तविक, अब जैसे जैसे ये बाकायदा जो लिखा है विभाजक, और ये भाजक, और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, और फिर भागफल, फिर प्लस शेषफल। ठीक है, जो ये सब लिखा है, अब हम सबसे पहले हम आपको समझाएंगे एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल हमने कॉपी पे उतार लिया है। ठीक है, जैसे जो नाम था चैप्टर का नाम मैंने डाल दिया, जैसे अब जो भी लिखा है अब इसको हम उतारना है। अब ये क्या है और ये क्या है लिखा है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जा रहा है तो भागफल इतना था, तो हम भागफल उतारेंगे, मैंने उतार लिया। अब लिखा है तथा शेषफल, जो लिखा है 23 प्राप्त है तो इसको भी उतारते हैं, शेषफल मैंने उतार लिया। अब लिखा है संख्या ज्ञात कीजिए, अब इसमें क्या ज्ञात करना है तो आपको पता नहीं, तो जो हमने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था रूल, तो हम उस रूल को दिखाते हैं आपके सामने। तो जैसे हमने उतार लिया, जैसे ये विभाजक है और फिर भागफल, जैसे ये विभाजक फिर ये भागफल शेषफल। ठीक है, अब जैसे ये अब रूल है, जैसे ये और ये 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 सब समझिए कि आप हमें भागफल प्राप्त है और शेषफल प्राप्त है। इसमें हमें क्या नहीं प्राप्त है, तो ये जैसे हमें इसमें विभाजक नहीं प्राप्त है और शेषफल प्राप्त है और भागफल प्राप्त है, और दो चीज हमें नहीं प्राप्त है। अब इस दो चीज को हमें प्राप्त करना है, तो वो कैसे करना है उसका भी रूल देखना पड़ेगा। ठीक है, हम जो जो लिखा है इस टाइप का, हम जैसे भागफल जैसा साइन बनाए, हम इस टाइप का उतार ले या इस टाइप का, तो हम इस टाइप का रूल उतारेंगे क्योंकि हमें दो चीज प्राप्त है, तो इस तो हम इसको उतार ले अपनी कॉपी पर। तो मैंने इसको उतार लिया भाई, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरी गलती हो गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो चीज लिखा हम उसको उतार लेते हैं, ये भागफल लिखा है और शेषफल, तो अब इसमें जो चीज जहाँ प्राप्त है उसको हम उस टाइप में उतार लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको उतारने जा रहे हैं। ठीक, तो हमें दो चीज, अब ये भाजक, ठीक है, अब ये विभाजक संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास विभाजक नहीं है, भाजक, ये विभाजक नहीं और भाजक है, मगर भाजक हमने अभी नोट नहीं किया था। तो ये लिखा है जो एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जा रहा है, तो मतलब यही है विभाजक, तो हम इसको उतार लेंगे। ठीक, तो मैंने इसको उतार लिया, अब हम इसमें यहाँ पर भाजक में इसको रख देंगे। ठीक, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो मैंने इसको उतार लिया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको ऐड करना है। ठीक, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक, इसको हमें मल्टीप्लाई करना, अब 4 की टेबल पढ़नी है 3 बार, तो ये हो जाएगा 12, 12 का 1 हासिल लग जाएगा, और ये हो जाएगा 28, 28 और 1 29। ठीक, फिर सेवन, अब 3 की टेबल पढ़नी 7 बार, तो ये हो जाएगी इतना, फिर इसको ऐड कर देंगे 2, अब ये 9 9 18 18 की 8 हासिल लगा, 1 3 हो गया और 1 4, क्योंकि जो इसमें हासिल गया था उसको, और ये 2, ये आंसर आ चुका है। इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। इसको लिख देंगे यहाँ पर विभाजक बराबर का चिन्ह, फिर हमें जो ये इसको मल्टीप्लाई करा था, जो ये हमें प्राप्त हुई, तो ये हम यहाँ लिख देंगे और एंड में इसको लिखेंगे।
इन दोनों को ऐड करना है, तो इसी जगह अब इन दोनों को ऐड करना, तो इसी जगह हम ये संख्या लिख देते हैं, इसको नहीं करना है, इसको काट देते हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, 10 की 0 हसी लगा 1, 5 और ये 2, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक, तो हमें आंसर ये प्राप्त हो गया। तो जो हमें यहाँ पर पूछा था संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करना था, जो हमें विभाजक ज्ञात करना था, तो विभाजक में हमने इस ये जो सूत्र के हिसाब से हमने करा, तो जैसे इसमें विभाजक है, विभागफल जो हमने शेष ये भागफल था, तो ये था जो यहाँ पर लिखा हुआ था हमें प्राप्त हुआ, और ये शेषफल था जो यहाँ पर लिखा है, कहाँ ये देखिए शेषफल लिखा है, ठीक। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, फिर हमें भाज भी प्राप्त हो गया। ऐसे को भी जैसे लिखा है वास्तविक संख्या, जो इसमें ऐसे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत सिंपली ट्रिक से समझ रही है, बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये आंसर लिख देते हैं।